नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मेरा नाम है विपुल राजपुरोहित और स्वागत है विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। कक्षा 11 की इतिहास की जो नई बुक लगी है जिसका नाम है आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत एक, और इसके अंदर हम पार्ट नंबर 2 पढ़ रहे हैं भारत का स्वतंत्रता आंदोलन। इस पार्ट को जो है अब तक हम जो है 6 भागों में पढ़ चुके हैं और आज हम इसका भाग नंबर 7 आपके सामने लेके आए हैं। आपने वो वीडियो नहीं देखी, आई बटन में लिंक मिलेगा, जाकर देख सकते हैं। तो कल हमने पढ़ा था गांधी जी का असहयोग आंदोलन, आज हम पढ़ रहे हैं गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो देखिए, सन 1922 में जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया तो बहुत बड़े पैमाने पर निराशा फैली। यानी 1922 में जब असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस लिया तो बहुत बड़े पैमाने पर जनता में, देश में नाराजगी फैल गई, जनता में पस्ती आ गई, यानी जनता सुस्त हो गई। सिद्धांत, पार्टियाँ और राजनीति, हर चीज़ टूटती बिगड़ती दिखने लगी। यानी हर चीज़ जो है, जो सिद्धांत मानो, पार्टियां मानो, राजनीति, हर जगह टूट रही थी। राष्ट्रीय आंदोलन की पस्ती की इस काल में सांप्रदायिक झगड़ों की जहरीली हवा देश में चलने लगी। यानी जो राष्ट्रीय आंदोलन था वो इसमें सुस्त हो गया था, और जो सांप्रदायिक झगड़े थे, जैसे हिंदू, मतलब जो सांप्रदायिक आपस में जो सद्भावना थी वो एक दूसरे के खिलाफ होने लगे, मतलब सांप्रदायिक झगड़े होने लगे, ये जहरीली जो हवा देश में चलने लगी। मुस्लिम लीग ने फिर अपने आप को कांग्रेस से अलग, यानी मुस्लिम लीग ने कांग्रेस से अपने आप को अलग लिया। उसके जवाब में हिंदू महासभा संकुचित और प्रतिक्रियावादी ढंग से प्रचार करने लगी। जो हिंदू महासभा थी वो छोटे रूप से और प्रतिक्रियावादी रूप से अपना प्रचार करने लगी। कांग्रेस के नेताओं के एक हिस्से ने, जिसका प्रतिनिधित्व देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू करते थे, बारदोली फैसले के बाद एक नया मोड़ लेने की कोशिश की। यानी चित्तरंजन दास, यानी शिया दास और मोतीलाल नेहरू ने एक नया मोड़ लेने की कोशिश की। इनका सुझाव था कि कांग्रेस नेताओं को चुनाव लड़कर विधान परिषद में प्रवेश करना चाहिए। यानी उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं को चुनाव लड़ना चाहिए और विधान परिषदों में शामिल होना चाहिए। वहाँ पर अंग्रेज सरकार के अलोकतांत्रिक और दमनकारी चरित्र का पर्दाफाश करना चाहिए। यानी वहाँ पर विधान परिषद में शामिल होना चाहिए और जो अंग्रेज सरकार क्या कर रही है उसका उनको, मतलब उनका पर्दाफाश करना चाहिए। इन नेताओं ने कांग्रेस के कार्यक्रम में परिवर्तन की मांग की थी, इसीलिए परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी नेताओं के आपस में मतभेद थे। यानी ये नेता जो क्या चाहते थे कि कांग्रेस के कार्य में परिवर्तन हो, और कुछ नेता नहीं चाहते थे, इसलिए इनको परिवर्तनवादी, और जो नहीं चाहते थे उनको अपरिवर्तनवादी कहा गया। परिवर्तनवादी नेताओं ने स्वराज पार्टी बना डाली। यानी सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने अपनी एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम था स्वराज पार्टी, लेकिन उन्होंने अपने मतभेद से राष्ट्रीय आंदोलन की एकता पर असर नहीं पड़ी। यानी उनके आपसी के जो मतभेद थे उसे राष्ट्रीय आंदोलन पर कोई असर नहीं पड़ा। दोनों कांग्रेस के भीतर ही रहे और अपनी गतिविधियां करते हुए दोनों एक दूसरे को यथासंभव सहयोग भी दिया। यानी दोनों कांग्रेस के अंदर ही रहे और अपनी गतिविधियां द्वारा एक दूसरे का सहयोग किया। जब संघर्ष का समय आता दोनों एक बार फिर इकट्ठा हो गए। यानी जब संघर्ष का समय आता तो ये दोनों एक बार फिर इकट्ठा हो गए। 22 नवंबर 1927 को लंदन से ब्रितानी मंत्रिमंडल ने घोषणा की कि नियत समय से 2 साल पहले एक स्थायी आयोग का नियुक्त का निर्णय किया गया जो समीक्षा करेगी भारत और आर्थिक सुधार तथा संसदीय जनतंत्र योग्य हुआ है या नहीं। यानी 22 नवंबर 1927 में लंदन की जो ब्रितानिया मंत्रिमंडल है उसने घोषणा की कि 2 साल पहले ही एक शाही आयोग बनाया जाएगा जो समीक्षा करेगी भारत जो है सुधारों और संसदीय जनतंत्र की योग्य है या नहीं। आयोग के अध्यक्ष एक अंग्रेज सर जॉन साइमन, और इसी प्रकार आमतौर पर उसे साइमन जो आयोग है या साइमन कमीशन कहा जाता है, उसके 7 सदस्य क्या थे, अंग्रेज थे। सारे भारत में इसे तत्काल व्यापक प्रतिक्रिया, यानी सारा भारत में इसका विरोध हुआ। जिस आयोग को भारत का राजनीतिक भविष्य तय करना है, निश्चित करना है, उसकी सदस्य लिए कोई भी भारतीय काबिल नहीं मान गया। यानी एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, यह भारत के लिए अपमानजनक बात थी, इसमें कोई भी भारतीय नहीं था। यानी भारत के ही राजनीतिक भविष्य का फैसला करना और उस आयोग में कोई भी भारतीय नहीं होना, इससे भारतीय लोग जो है अपमान माना और उसका विरोध किया। कांग्रेस के अंदर एक नया गर्म दल बन गया। यानी कांग्रेस के अंदर ही एक नया गर्म दल बना। राष्ट्रीय आंदोलन में एक नया वामपक्ष प्रकट होने लगा। यानी एक जो दक्षिण में जो लेफ्टिस्ट है या लेफ्ट जो है वो प्रकट होने लगा। सन 1927 के अंत में जवाहरलाल नेहरू 1.5 साल तक यूरोप दौरा करने के बाद भारत लौटे। यानी 1927 के अंत में जवाहरलाल नेहरू 1.5 साल के यूरोप दौरे पर गए थे, वो भारत लौटे। उन्होंने यूरोप में समाजवादी क्षेत्रों और उनके विचारों के संपर्क में आए। यानी वो जो है समाजवादी जो सोशलिस्ट थे उनके संपर्क में आए। 27 के आखिर में कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन हुआ। यानी जो 27 के आखिर में कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन हुआ, इसमें नई वामपंथी प्रवृत्ति दिखाई दी और ये स्पष्ट हो गया कि खासकर नौजवान में उनका बहुत असर हुआ है। यानी जो वामपंथी, यानी जो लेफ्टिस्ट प्रवृत्तियाँ थी वो कांग्रेस में दिखाई दे रही, और उसका जो असर है वो नौजवानों पर हुआ।
मद्रास अधिवेशन में सर्वसम्मति से जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत एवं सुभाष चंद्र बोस द्वारा समर्थित एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें राष्ट्र आंदोलन का लक्ष्य पूर्ण स्वाधीनता घोषित किया गया। यानी इस मद्रास अधिवेशन में एक प्रस्ताव बनाया गया था जो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था और सुभाष चंद्र बोस ने समर्थित किया था। यह प्रस्ताव था कि राष्ट्रीय आंदोलन का जो लक्ष्य है इसको पूर्ण स्वाधीनता बनाया जाए। इस अधिवेशन में साइमन कमीशन बहिष्कार का निश्चय भी हुआ, यानी कि साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जाए। साथ ही यह फैसला लिया गया कि नए विधान की सरकारी योजना के मुकाबले में भारतीय योजना बनने के लिए सर्वदलीय सम्मेलन और उसमें कांग्रेस भाग ले। यानी उन्होंने कहा कि जो नए विधान की सरकारी योजना है इसके मुकाबले क्या भारतीय योजना बननी चाहिए जिसमें सारे दल शामिल हो और उसमें कांग्रेस भाग ले। कांग्रेस ने साम्राज्यवादी विरोधी लीग में शामिल होना स्वीकार किया। यानी कांग्रेस ने जो साम्राज्यवादी विरोधी लीग थी उसमें शामिल होना स्वीकार किया। नेहरू और बोस युवा उनके और कांग्रेस के अंदर बढ़ती वामपंथी प्रवृत्तियों के मुख्य नेता माने जाते हैं। यानी नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जो युवाओं के अंदर जो वामपंथी यानी लेफ्टिस्ट बनना जो आ रहा था उसके प्रमुख नेता माने गए। वे कांग्रेस के सेक्रेटरी नियुक्त किए, यानी कांग्रेस के सचिव नियुक्त किए गए। 3 जनवरी 1928 को जैसे ही साइमन और उसके साथ ही मुंबई उतरे उनकी कार्रवाई शुरू हो गई। यानी जब 3 जनवरी 1928 को मुंबई उतरे थे जब उनकी कार्रवाई उनकी शुरू हो गई, उस दिन सभी प्रमुख नगरों कस्बों में हड़ताल रही और लोगों ने सामूहिक प्रदर्शन में हिस्सा लिया और काले झंडे दिखाए। यानी उस दिन जितने भी नगरों कस्बे थे उनमें हड़ताल रखी गई, सामूहिक प्रदर्शन किया गया और काले झंडे दिखाए गए। साइमन आयोग की नियुक्ति करने वाले अनुदार पंथी राज्य सचिव लॉर्ड ब्रिकेन हेड भी लगातार यह राग लगा पड़े थे कि भारतीय लोग संवैधानिक सुधार के लिए सर्वसम्मति से कोई ठोस प्रस्ताव बनाने में असमर्थ है, ऐसे प्रस्ताव जिसको सभी भारतीयों का व्यापक राजनीतिक समर्थन प्राप्त हो। यानी ब्रिकेन हेड ने कहा कि जो भारतीय लोग हैं ये संवैधानिक सुधार की सर्वसम्मति से कोई ठोस प्रस्ताव असमर्थ है और सभी भारतीयों का जो व्यापक राजनीतिक समर्थन हो। इस चुनौती को भी स्वीकार किया गया और एक योजना को अंतिम रूप देने हेतु फरवरी मई और अगस्त में 1928 में सर्वदलीय अधिवेशन आयोजित किया गया। यानी ये उन्होंने कहा कि आप जो है संविधान या संवैधानिक सुधार के लिए कोई प्रस्ताव नहीं बना सकते, तो इस चुनौती को भी माना गया और फरवरी मई और अगस्त 1928 में एक सर्वदलीय अधिवेशन आयोजित होता है। इसमें मोतीलाल नेहरू के नाम पर एक नेहरू रिपोर्ट जिसे बाद में जाना गया नेहरू रिपोर्ट बनाई गई, वही इस रिपोर्ट के प्रमुख लेखक थे। यानी मोतीलाल नेहरू ही नेहरू रिपोर्ट के लेखक थे। इसमें कहा गया कि भारत सरकार को डोमिनियन स्टेट्स यानी अधिराज्य परिस्थिति की हैसियत रखने वाली सरकार होना चाहिए, यानी भारत को डोमिनियन स्टेटस का देना चाहिए। इसमें सांप्रदायिक आधार पर अलग निर्वाचन मंडल की मांग को ऐसे रहे, यानी इसमें कहा गया कि सांप्रदायिक आधार पर अलग निर्वाचन मंडल नहीं माना जाएगा जिसके आधार पर इसमें पूर्व के संवैधानिक सुधार किए, जिसमें पूर्व के संवैधानिक सुधार भी किए गए थे। दिसंबर 1928 में कलकत्ता अधिवेशन नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कराने में गांधी जी को काफ़ी दिक्कत आई। यानी जो नेहरू रिपोर्ट थी इसको कलकत्ता अधिवेशन में स्वीकार कराने में गांधी जी को दिक्कत आई। उन्होंने जो प्रस्ताव बनाया था उसमें कहा गया था कि इस रिपोर्ट का मतलब ये नहीं कि पूर्ण स्वतंत्रता लक्ष्य छोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये नहीं कि हम पूर्ण स्वतंत्रता लक्ष्य छोड़ दिया गया, अगर सरकार 31 दिसंबर 1929 तक यह रिपोर्ट मंजूर नहीं करती तो कांग्रेस एक बार फिर अहिंसात्मक आंदोलन छेड़ेगा और इस बार करबंदी से प्रारंभ करेगा। यानी उन्होंने कहा कि अगर 31 दिसंबर 1929 तक जो ब्रिटेन सरकार है वही ये रिपोर्ट नहीं मानती है तो हमें एक बार फिर अहिंसात्मक आंदोलन खड़ा करेंगे और करबंदी से शुरुआत होगी। कांग्रेस का होने वाला अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण था, यानी कांग्रेस का जो अधिवेशन था बहुत महत्वपूर्ण था, आगामी वर्षों में संघर्ष छेड़ने वाला था। यानी ये आगामी वर्षों में जो संघर्ष होने वाला था उसको छेड़ने वाला था, इसलिए कांग्रेस का अध्यक्ष गांधी जी को चुना गया। यानी जो 1900 इसलिए कांग्रेस का अध्यक्ष गांधी जी चुना गया, लेकिन उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया, उन्होंने कहा मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा और अपनी जगह इंडिपेंडेंस लीग तथा युवाओं के नेता जवाहरलाल नेहरू जो समाजवादी सहमति प्रकट कर चुके थे नामजद किए, उनके बारे में नामजद किया। उस समय अपनी पसंद के हक में दलील देते गांधी जी ने नेहरू के बारे में कहा कि देश प्रेम में कोई भी उससे आगे नहीं बढ़ सकता। यानी ये बहुत ही देश प्रेमी, इससे कोई आगे नहीं बढ़ सकता, वह वीर और भावुक है, यानी वीर भी है और भावुक है, इस समय इन गुणों की बड़ी आवश्यकता है, यानी हमें इन गुणों की आवश्यकता है, लेकिन संघर्षों में दृढ़ता और भावुकता परिचय देने के साथ साथ इसमें राजनीतिज्ञ के विवेक काम ले नहीं सकते। यानी ये भावुक भी है और दृढ़ भी है, लेकिन ये राजनीतिज्ञ भी है, वह अनुशासन प्रेमी भी है, अपने कार्यों द्वारा ये सिद्ध कर चुके हैं कि उनमें असहमत होते हुए फैसलों को मनाने क्षमता, यानी उनमें जो भी असहमत होता है तो भी फैसलों को मानने की इनमें क्षमता है। वे विनम्र स्वभाव के हैं, इतने व्यवहारिक हैं कि कभी हवा में नहीं उड़ते, उनके हाथों में देश बिल्कुल सुरक्षित है। 1929 के आखिर में लाहौर अधिवेशन में यह ऐलान किया गया कि नेहरू रिपोर्ट का समय बीत गया, यानी नेहरू रिपोर्ट का समय दिया गया वो बीत गया, आगे से कांग्रेस का अध्यक्ष पूर्ण स्वराज होगा। अब कांग्रेस का अध्यक्ष पूर्ण स्वराज होगा। जवाहरलाल नेहरू का अध्यक्षीय भाषण आंदोलन के लिए हरकत में आने का प्रेरक आह्वान था।
यानी जो जवाहरलाल नेहरू बासिंदे था, वो आंदोलन के लिए प्रेरक आह्वान था। विदेशी शासन से अपने देश को मुक्त कराने के लिए अब हमें आंदोलन करना है, और साथियों आप लोग और देश के सभी लोग इसमें हाथ बटाने के साथ आमंत्रित है। यानी नेहरू ने कहा कि जो विदेशी शासन है इससे आपको देश को मुक्त कराने के लिए आंदोलन करना है, और साथ ही आप लोग और देश के सभी लोग इसमें हाथ बटाने के साथ आमंत्रित है। नेहरू ने यह बात साफ कही, साफ की कि मुक्ति का मतलब विदेशी शासन को उखाड़ फेंकना भर नहीं है। मुझे साफ साफ स्वीकार करना चाहिए कि मैं एक समाजवादी हूँ, गणतंत्रवादी हूँ। यानी उन्होंने कहा कि हमारा ये मतलब नहीं कि इसको विदेशी शासन को पढ़ना है। उसने कहा कि मैं समाजवादी भी हूँ और गणतंत्रवादी भी हूँ। आधी रात को जब पुराना साल खत्म हुआ था, सन 1930 प्रारंभ हुआ, तो भारतीय स्वतंत्रता का जो तिरंगा झंडा है वो फहराया गया, और 26 जनवरी 1930 को सारे देश में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। हर जगह विराट प्रदर्शन और सभाएं हुई जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा, संघर्ष करने की एक प्रतिज्ञा की गई। जनता ने घोषणा की कि अंग्रेज राज को अब और मानना और भगवान के प्रति पाप करना, यानी जनता ने घोषणा की अंग्रेज राज को अब और मानना जो है भगवान के प्रति पाप करना है। अपना विश्वास प्रकट किया कि यदि हम सरकार से स्वेच्छापूर्वक सहयोग करना और उसे कर देना बंद कर दे और उकसाए जाने पर हिंसा न करें तो ये अमानुषिक राज्य अवश्य खत्म है। यानी उन्होंने कहा कि हमें सरकार को स्वेच्छापूर्वक सहयोग करना, यानी हमारी इच्छा हो तो करें, न करें ना करें, कर देना बंद कर देना चाहिए और उकसाने पर भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, तो इससे जो अमानुषिक राज्य यानी जो ब्रिटानिया राज्य है ये खत्म हो जाएगा। कांग्रेस की कार्यकारिणी के सन 1929 में हुए लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में यह आखिर गांधी जी को दिया गया, यानी ये अधिकार जो है गांधी जी को दिया गया कि वह देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़े। इस आंदोलन में कर अदा न करना भी शामिल था, यानी इसमें शामिल था कि कर अदा न करे। इसने विधानसभा के सदस्यों से विधायक पद से इस्तीफा देने का आह्वान किया, जो भी विधायक हैं वो इस्तीफा देवे। सन 1930 में मध्य फरवरी में साबरमती आश्रम में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की एक बैठक हुई जिसमें गांधी जी को इस बात का अधिकार दिया गया कि वह अपनी इच्छा से जब चाहे, जब और जिस जगह से चाहे इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को आरंभ कर सकते हैं। 31 जनवरी 1930 को गांधी द्वारा प्रस्तुत 11 सूत्री न्यूनतम मांगे, जो उस समय का वाइस राय था लॉर्ड इरविन, उसने अस्वीकार कर दिया। इसलिए अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, सविनय अवज्ञा। यानी उन्होंने कहा कि अब एक रास्ता बचा है सविनय अवज्ञा। सविनय अवज्ञा अभियान का नेतृत्व है गांधी जी ने अपनी राजनीतिक कुशलता का अपूर्व परिचय, यानी इस आंदोलन का नेतृत्व है गांधी जी ने किया और अपनी राजनीतिक कुशलता का परिचय दिया। उन्होंने इस आंदोलन का प्रारंभ जो है नमक पर कर हटाने को लेकर दांडी यात्रा से किया, यानी इसका जो प्रारंभ होता है वो नमक पर कर हटाने के लिए दांडी यात्रा से होता है। गुजरात के समुद्र तट पर स्थित ग्राम दांडी में गांधी द्वारा नमक कानून को तोड़ने के उदाहरण के रूप में देश में सर्वत्र निर्णय किया, यानी जब गांधी जी है उन्होंने साबरमती आश्रम अहमदाबाद से लेकर दांडी की यात्रा की और वहाँ जो समुद्र तट पर गाँव दांडी था वहाँ पर जाकर नमक बनाया और नमक कानून को तोड़ा। अपने निर्धारित तक पहुँचने के गांधी जी ने अपने साथियों के साथ पैदल 200 मील की यात्रा की और 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने वहाँ नमक बनाकर जो है नमक कानून तोड़ा और उनका चमत्कारी प्रभाव पड़ा। देश के हजारों लोगों ने जो है नमक कानून की अवज्ञा कर नमक बनाना आरंभ किया। शीघ्र ये जो आंदोलन है एक महान आंदोलन बना। हजारों महिलाएं जो घर की चारदीवारी से बाहर निकल गई, जो शराब की दुकानें थी उन पर धरना देने लगी, इसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा। स्वदेशी वस्त्रों प्रोत्साहन के लिए जो विदेशी वस्त्र बहिष्कार किया गया उनकी सरेआम होली जलाई गई। महात्मा गांधी इस आंदोलन के उक्त कार्यक्रमों को सीमाओं में रखना चाहते, यानी सीमाओं में रखना चाहते, लेकिन ये शीघ्र ही सीमाओं को पार भी कर गया। इसमें जो विश्व में जो है आर्थिक मंदी का दौर चल रहा था, भारत की आर्थिक स्थिति भी दयनीय हो गई थी, इस कारण भारत में जो बेरोजगारी इसका प्रकोप पड़ा। श्रमिकों ने भी हड़ताल करना आरंभ कर दिया, विद्यार्थियों ने स्कूल व कॉलेज छोड़कर आंदोलन में भाग लिया, किसानों ने कर देना बंद कर दिया। सरकार ने किसानों को जमीन से बेदखल करना आरंभ कर दिया, यानी जब वो कर नहीं दे रहे थे तो उनको किसानों को उन्हीं की जमीन से भगाना शुरू कर दिया। जनता में आंदोलन ज्यों का त्यों उत्साह बढ़ रहा था, यानी आंदोलन बढ़ रहा था, उधर सरकार का जो दमन चक्र है वो भी दिन प्रतिदिन क्रूर होता जा रहा था। सरकार नए नए अध्यादेश जारी किए, यानी नए नए अध्यादेश जारी किए, प्रदर्शनकारियों पर डंडे बरसाए गए, गोलियों से सत्याग्रहियों को भुना भी गया, उनकी संपत्ति सरकार ने जब्त कर ली, हजारों लोगों को जेल में बंद कर दिया गया। उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत के प्रदेश के पठानों ने खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में सरकार के विरुद्ध जो है बहुत बड़ा आंदोलन किया। सत्याग्रहियों पर ब्रिटिश सरकार जो है कठोर व क्रूर अत्याचारों से महात्मा गांधी का दिल जो दहल गया, पर उन्होंने गवर्नर जनरल को इस आशय एक पत्र लिखा, परंतु उसका उस पर कोई असर नहीं पड़ा। जब महात्मा गांधी ने धराषणा के नमक कारखानों पर अधिकार करने की घोषणा की तो 5 मई 1930 को उन्हें बंदी बना लिया गया और उनकी गिरफ्तारी की जो है उग्र प्रतिक्रिया हुई। अधिकांश नगरों में हड़ताल की, मुंबई के 5,000 जो मजदूर है काम छोड़कर सड़कों पर आ गए। मिल मजदूरों की हड़ताल खबर फैलते ही रेलवे कारखाने के श्रमिक भी हड़ताल पर आ गए। मुंबई के औद्योगिक नगर सोलापुर में आंदोलन ने भयंकर रूप धारण किया। 1930 का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना व्यापक और उग्र हो गया
होगा इसका अनुमान जो है ब्रिटानिया सरकार भी नहीं लगा सकी। आंदोलन के दौरान करबंदी, लामबंदी, शराबबंदी, नमक सत्याग्रह, गांजा, भांग और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, सरकारी स्कूल कॉलेजों और अदालत का बायकॉट आदि कई प्रकोप के धारण किए। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि यह आंदोलन आशातीत रूप से सफल भी रहा। जुलाई के प्रारंभ तक भारत में कोई प्रांत से नहीं मिलता जहाँ इस आंदोलन का असर नहीं पड़ा। असहयोग आंदोलन की तुलना में इस आंदोलन की जो महिला वर्ग है उनका भी अधिक सहयोग मिला। इस आंदोलन की दूसरी विशेषता यह रही कि इसमें किसानों को भी सक्रिय बनाया। बिहार और गुजरात के किसान इस आंदोलन ने इसमें अग्रणी रहे। इस व्यापक आंदोलन को उठने के ब्रिटानिया सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए पर हुए ऐसे पर रहे और इस अंतराल में गोलमेज सभाएं या योजनाएं जो है प्रगति करती गई। ब्रिटिश सरकार गांधी और कांग्रेस का सहयोग पाने के लिए आतुर थी क्योंकि ब्रिटिश सरकार अभी इस निष्कर्ष पर पहुँच गई थी कि बिना कांग्रेस के सहयोग से कोई संविधान संबंधी योजना सफल नहीं हो सकती। अतः गवर्नर जनरल ने तेज बहादुर सप्रू के माध्यम से गांधी जी के माध्यम से कांग्रेस के साथ समझौते के जो प्रयास हैं वो आरंभ किए थे। अब जो है हम अगले जो क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे गांधी इरविन समझौता और उसके बाद पढ़ेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है दोस्तों, तो यदि आज की क्लास आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, नए भूलना और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो आप जरूर चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, घर रहें, स्वस्थ रहें।